Hello, good evening students. Now, the last topic of a function, this is called inverse function. तो सबसे पहले हमें inverse function क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको. ये लिखा है if f such that a to b, अब आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब such that ये domain का element that is called codomain element. तो if f such that a to b is bijection, ये बाइजेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू. अगर फंक्शन वन वन ऑन टू होगा तो हम कहेंगे देन वी कैन फाइंड अ न्यू फंक्शन फ्रॉम टू बी टू ए. अगर ये फंक्शन ए टू बी जा रहा है तो इनवर्स क्या हो जाएगा, बी टू ए. तो ये लिखा हुआ है द न्यू फंक्शन फ्रॉम बी टू ए विच कैन एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ वाई, मीन्स ये वाला बिलोंगिंग टू बी एंड इट्स प्री इमेज, तो एफ इनवर्स ऑफ वाई बिलोंग्स टू ए. अगर ये जो है तुम्हारा एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो वाई किसको बिलोंग करेगा, बी को. तो एफ इनवर्स एक्स, यानी कि अगर हम इस साइड देखते हैं तो ये क्या काम कर रहा है, एफ एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स. तो सीधी सीधी सी बात है, हमें पता लगता है कि अगर फंक्शन जब वन वन ऑन टू होगा, इफ द फंक्शन इज, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, द फंक्शन विच इज वन वन ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्शन एंड देयर इनवर्स एग्जिस्ट. अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस दिस इज कॉल्ड इनवर्टेबल फंक्शन. यहां पर मैं लिख देता हूं, इनवर्टेबल फंक्शन. इनवर्टेबल का फंक्शन का मतलब ये होता है द फंक्शन इज वन वन ऑन टू. तो इसका मतलब फंक्शन अगर बाइजेक्शन होगा तो हम इसे इस तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं. ऐसे हमने उसकी डेफिनेशन लिखी दी है, लेट एफ सच दैट ए टू बी इज बाइजेक्शन. अब बाइजेक्शन आपको पता लग चुका है, द फंक्शन इज वन वन ऑन टू. देन द फंक्शन जी, यानी कि ये वाला फंक्शन, सच दैट बी टू ए, यानी कि इधर को जाएगा, विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ वाई, मीन्स ये वाला belonging to, यानी कि वाई जो है इस बी सेट के अंदर है, belongs to B, is unique element of X A, यानी कि इसके A की element से associate होगा, such that F X equal to Y, हमने मान लिया, F X equal to Y, is called inverse of X. इसका मतलब अगर Y is equal to F X है, तो Y is equal to F X है, तो F inverse of Y equal to कितना रहेगा, X. बाद में आप क्या करेंगे, इस y की जगह पे क्या रिप्लेस कर दीजिए, x. तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू व्हाट, y. तो इसका मतलब ये इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर जाता है. अब ये लिखा हुआ है इसमें सच दैट देयरफॉर fx इज इक्वल टू y, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ. और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डबल एफ भी लिख सकते हैं. इसका मतलब ये होता है कि ये इसको एसोसिएट हो रहा है तो ये इसको एसोसिएट हो रहा है. अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई तो जी वाई इक्वल टू एक्स, यानी कि इसका मतलब ये इसका इनवर्स है तो ये इसका इनवर्स है, सिंपल सी बात है. तो इज इनवर्स ऑफ एफ इन जनरल डिनोटेड बाई एफ इनवर्स ऑफ एक्स. अगर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था यहां पर fx equal to y, तो this simply implies x की जगह पर आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं, y. तो ये क्या हो जाएगा, f of g x की जगह क्या लिखाऊंगे, gy equal to y. तो इसका मतलब ये इधर चला गया, तो gy equal to f inverse of y, ये हमारा इनवर्स फंक्शन पता लग जाता है कैसे बन रहा है. ठीक है, तो हमने लिख दिया यहां पर 10. तो f such that a to b is bijection, तो f inverse such that b to a, अगर ये इधर एसोसिएट हो रहा तो इसका मतलब इसका इनवर्स इधर होगा. सबसे बड़ी बात क्या है, इनवर्स निकालने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर एक एलिमेंट यहां पर a to b, a b c, यहां पर अल्फा बीटा गामा, इसका मतलब ये फंक्शन वन वन भी है और वन टू भी है.
तो अगर हम कहें कि एफ एक्स क्या हो जाएगा, ए कॉमा एल्फा, बी कॉमा बीटा, सी कॉमा गामा, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इसकी ये चेंज हो जाएगी, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, अल्फा कॉमा ए, बीटा कॉमा बी एंड गामा कॉमा सी, दिस इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स। बिल्कुल इसी पैटर्न पर जो मैंने आपको पैटर्न समझाया, इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन आपका इसी तरीके से होता है, नोट कर लीजिए। बस देखिए भाई, अभी हमने आपको इनवर्स के बारे में बताया था, अब इस पर रिलेटेड एक महत्वपूर्ण सवाल लिखा था, तो अभी नया वही सवाल है और मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको करना है क्वेश्चन को। अभी क्वेश्चन है, इफ एफ सच दैट, इफ ए इक्वल टू सेट के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर लिखा है 2 4 6 8 और लिखा हुआ है एफ सच दैट ए टू बी, यानी कि इसका मतलब डोमेन का एलिमेंट ए है और कोडोमेन का एलिमेंट क्या है हमारे पास यहाँ पर बी है। अब आप देखिए यहाँ पर एक बात थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझना है और आपके सारा का सारा खेल समझ में आ जाएगा कि क्या होता है इसमें। देखिए जैसा ये इस टाइप का सवाल अगर आपका बोर्ड वगैरह आता है तो ये पूछेगा कि आपसे आप इसको डिफाइन करो, तो दो नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको कैसे बनाना है सर, देखिए 1 2 3 एंड 4 ये देखा है 2 4 6 और 8। अब यहां पर फंक्शन एफ एक्स, ये एफ एक्स है और एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2x। अब अगर हम x इज इक्वल टू 2 1 पुट किया तो इनपुट यानी x की वैल्यू, तो f1 आपके पास कितना आ गया 2 into 1 इक्वल टू कितना आया 2। अब आप देख रहे हैं यहां पर दिख रहा है एफ टू इक्वल टू कितना 2 into 2 इक्वल टू 4। एफ थ्री कितना है तुम्हारे पास यहां पर 2 into 3 इक्वल टू 6, ये दिख रहा है। एफ फोर कितना है अभी तुम्हारे पास 2 into 4 इक्वल टू 8, ये दिख रहा है। तो अब आप एफ एक्स का ऑर्डर पेयर देखिए क्या क्या बन रहा है, ऑर्डर पेयर 1, 2, ये 1 क्या है डोमेन, 2 क्या है कोडोमेन, 2, 4, 3, 6 एंड 4, 8। तो ये क्या आया एफ एक्स का ऑर्डर पेयर आ गया जो आपसे पूछा गया है, राइट एफ एक्स इन अ सेट ऑफ ऑर्डर, ये सेट ऑफ ऑर्डर है। तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया इनवर्स के लिए जो इसकी डोमेन है वो कोडोमेन में और कोडोमेन जो है डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब आप f इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, ऑर्डर चेंज, ऑर्डर पेयर चेंज, 2, 1 ये इनवर्स, 4, 2, 6, 3, 8, 4, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, नोट इट। अब भाई अब देखिए एक सेकंड क्वेश्चन है, लेट एफ सच दैट आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कभी भी मैंने आपको एक बात बताया था इनवर्स निकालने के लिए x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लीजिए। अब जैसे सपोज करो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है तो इनवर्स कैसे निकालना बताया मैं आपको, x बराबर f इनवर्स ऑफ y, तो दिस सिंपली इंप्लाइज क्या हो जाएगा तुम्हारे पास यहां पर f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा y। मैंने आपको चेंज करने को बताया x को y के टर्म्स में और y की जगह आप x रखेंगे तो इनवर्स बन जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही इसी फंडे का यूज करना है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको गिवन है तो आपसे कह रहा है एफ इनवर्स ऑफ 5, तो x बराबर कितना होगा तुम्हारे पास यहां पर एफ इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपसे कह रहा है एफ इनवर्स ऑफ 5, अब एफ इनवर्स ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ, अब आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, द सिंपली इंप्लाइज यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना है माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट कितना हमारे पास यहां पर माइनस का 6, तो एक्स इज इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ माइनस सिक्स। अब जो ये माइनस सिक्स है ये रियल है इमेजिनरी है, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी। जब ये इमेजिनरी नंबर है तो इसका मतलब हमसे सेट क्या कह रहा है, रियल टू रियल, तो इसका मतलब एफ इनवर्स ऑफ माइनस फाइव इक्वल टू व्हाट, फाइव। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे ही अगर आप देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट, अब आपको पता लग गया डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, आप एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू व्हाट 26, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 25। तो एक्स इज इक्वल टू कितना है हमारे पास भाई, प्लस माइनस फाइव। अब प्लस माइनस फाइव इस रियल नंबर के अंतर्गत आ रहा है, तो इसका मतलब इसके जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या आएगा इसका इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ 26 इक्वल टू क्या हो सकता है, या तो माइनस फाइव होगा या ये क्या हो जाएगा प्लस फाइव रहेगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ऐसी थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, अब एफ इनवर्स ऑफ 10.37, एक बार आप उसमें क्या रखेंगे 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 10, तो दिस सिंपली इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स इक्वल टू व्हाट प्लस माइनस 3, तो दिस सिंपली इंप्लाइज एफ इनवर्स 10 क्या बना हमारे पास, पता लग गया हमें क्या बना भाई, माइनस 3.3 ये बन गया। अब ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू कितना है भाई 37, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 36, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो इसका मतलब क्या आया हमारे पास, एफ इनवर्स 37 कितना आया भाई माइनस 6 प्लस 6। तो अब आपसे कह रहा है एफ इनवर्स ऑफ 10.37, तो क्या बनेगा देखिए आप इसको, ये जो सेट बनेगा माइनस 3 3, माइनस 6 6, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, नोट।